अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सोशल मीडिया ग्रुप मेंबरान को, खास तौर पर जो ग्रुप ओनर्स हैं उनको मेरा सलाम है। फिर जो हमारे देखने वाले सुनने वाले सबको मेरा सलाम है। तमाम मुसलमानों को, मुसलमान को जहाँ कहीं आबाद है सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। जनाब मोहतरम, गुजारिश ये है कि एक सोशल मीडिया पर ये थ्रेट, ये बात फैलाई जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से बैतुल्लाह शरीफ को जो बंद किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मोहतरम प्यारे भाई। अगर कोरोना वायरस की वजह से बंद किया जाए तो ये जितने हाजी हैं इनको भी आने से मना कर दिया जाए, जितने लोग तवाफ़ कर रहे हैं या पीछे सही भी कर रहे हैं इनको भी बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूँकि 5-6 महीने पहले भी बैतुल्लाह शरीफ का काम हो रहा था, उस वजह से भी बैतुल्लाह शरीफ को इसी तरह बंद किया गया जिस तरह अभी बंद किया हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अंदर जाने की साधन नसीब हुई है, तो ये उसकी वजह से नहीं हो रहा बल्कि काम होने जा रहा है, काम की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई कंडीशन होती तो ये बाहर से ही बंद कर देते हैं। और मोहतरम प्यारे भाई, ये शफाएँ बांटने वाला घर है, ये अता करने वाला घर है, ये रहम करने वाले का घर है। इस घर की, इस शहर की रब कस्में उठा रहा है, तो उस इस ये आम या सस्ती जगह तो नहीं जिसकी कस्में अल्लाह उठा रहा है, अल्लाह के जिसकी कस्में उठा रहा होगा उस पर अल्लाह ने शिफा और अल्लाह के नबी खलील्लाह की दुआ के अल्लाह ने इस शहर को अमन वाला शहर बनाया। तो ऐसी बातें ना फैलाएं जिससे दूसरे मुसलमान जो दूर बैठे हैं उनकी दिल आज़ारी हो या उनको किसी किस्म की इज़ा पहुँचे या गैर मुसलमों को बात करने की कोई चांस ना दिया करें। मेहरबानी फरमाएं सर, ये लाइव इसलिए मैं चला रहा हूँ ग्रुप ऑनर हमारे आफ्ताब डोगरा भाई के हुक्म से ही, कि उन्होंने एक मुझे सेंड की एक वीडियो जिसमें बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ को खाली दिखाया गया, तो फौरन मैं यहाँ हाज़िर हूँ। ऐसा कोई नहीं मेरे प्यार भाई, ये हवाजस बड़े बड़े लगा रखे ना, ये काम होने वाला है। अब ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है ये कोरोना थोड़ी रोकेगा, ये तो काम के लिए भैया।